हेलो दोस्तों नमस्कार गुड इवनिंग गुड इवनिंग एवरी वन ऑफ यू और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास हमारे चैप्टर नंबर पाँच से उसके बाद हम नोटिस इन्विटेशन्स और एडवर्टिजमेंट्स पढ़ेंगे इसके बाद आपका चार नंबर का पोर्शन जो है कंप्लीट हो जाएगा परफेक्ट हो जाएगा और छोटे छोटे क्वेश्चन के लिए हम लोग तैयारी कर रहे थे तो आज मैं वास्तव में आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ तो आज जो पाँचवें नंबर का चैप्टर है शुड बिजार्ड हिट मम्मी उसका क्वेश्चन देखेंगे आप जो यहाँ पर क्वेश्चन है आप लोगों के सामने है एक बार आंसर देने की कोशिश कीजिएगा क्या आएगा इसका आंसर फटाफट -फड़ से बताइए आंसर क्या आएगा इसका जल्दी से अपना आंसर बताइए ना कि क्या आएगा इसके क्वेश्चन इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा बताइए कि व्हाट इज द स्टोरी अबाउट कहानी किसके बारे में है वर्ल्ड व्यू ऑफ ए लिटिल गर्ल एक छोटी सी लड़की का सांसारिक दृष्टिकोण नजरिया उसकी क्यूरियस क्वेश्चंस उसके जिज्ञासु प्रश्न जो वो अपने पिताजी से पूछती है या वर्ल्ड व्यू ऑफ चिल्ड्रन वर्ल्ड ऑफ विजट जादूगर की दुनिया बताओ क्या है इसका आंसर यहां पर ये तीनों आंसर गलत हैं आपका जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा सर आवाज नहीं आ रही है आंसर आवाज आ रही है आ, तेरी आवाज मोबाइल की खोल देखिए अगला क्वेश्चन क्या है हाउ डिड द विजर्ट हेल्प रोजर कि कैसे मदद की थी विजर्ड ने रोजस कंक की बताओ कैसे की थी मदद रोजसंक की मदद कैसे की जल्दी बताओ फटाफट फटाफट बताओ कि रोजर्स की मदद कैसे की मैजिक बैंड को यूज करके लो लो मैजिक बैंड को यूज करके या फिर शब्दों का उच्चारण करके या फिर बुरी बदबू से छुटकारा पा करके बताओ कि विजर्ड की हेल्प कैसे की मैजिक बैंड से चैंटिंग यानी बुदबुदा करके या फिर उसकी गंदी जो बद बदबू थी उससे उसका छुटकारा दिला करके ये सारी चीजें बताओ क्या आएगा आंसर बिल्कुल ऑल दीज आएगा तो यहाँ पर ये ऑल दीज बिल्कुल सही है अगला क्वेश्चन देखिए क्योंकि उसमें उसने मैजिक वेंट भी यूज की थी आबरा कट आबरी हो कस याद है और उसने उसका मंत्र भी बुदबुदाया था हम करके और फिर उसकी वो बदबू से भी उसको निजात दिलाई थी तो इस तरीके से यहाँ पर ये यह, <coughs> यह आंसर आ जाएगा अगला क्वेश्चन देखना बॉड डिड द विजर्ड आस्क रोजर रोजर से विजर्ड ने मतलब क्या पूछा था कि जो विजर्ड था जादूगर था उसने रोजर से क्या पूछा वॉट डिड यू वॉन्ट टू हैव कि वो क्या खाना चाहता है क्या खाना चाहता था या किस तरह की वो गंध चाहता था इनमें तीनों में से क्या पूछा तो रोजर्स आपको पता है रोजर जो स्कंक था रोजर्स कंक रोजर्स से उसने क्या पूछा था रोजर्स स्कंक से पूछा था कि भाई तू किस तरह की गंध प्राप्त करना चाहता है कि तू किस तरीके की गंध प्राप्त करना चाहता है उससे ये पूछा एक मिनट उससे यह पूछा कि वो किस तरह की गंध प्राप्त करना चाहता है एक मिनट हाँ एन के वो किस तरह की गंध प्राप्त करना चाहता है उससे पूछा तो ये आ जाएगा आपका आंसर सी क्या आ जाएगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही है सी ऑप्शन दे रहे बच्चे बहुत बढ़िया लाजवाब अगला क्वेश्चन है कि हाउ डिड जो वांट द स्टोरी ऑफ रोजर्स कम टू एंड कि जो आ, मतलब जो थी जो कौन थी आपको पता है इसके अंदर जो कैरेक्टर थे एक तो था जैक जो कहानी सुनाता है स्टोरी सुनाता है स्टोरी टेलर स्टोरी टेलर और आप ये कह सकते हो फादर ये यहाँ पर पिता भी है और दूसरी है जो जिसका पूरा नाम है जोन, ठीक है ना जोन ये क्या एक बेटी है उसकी ये बेटी है उसकी जोन क्या है उसकी बेटी है डॉटर डी ए यू जी एच टी आर अब वो कितने साल की है चार साल की है और एक है क्लेयर सी एल ए आर जो जैक की पत्नी है जैक्स वाइफ ये जैक्स वाइफ है जैक की पत्नी है और एक बॉबी है बी ओ डबल बी बाय बॉबी जो है वो क्या है जो का यंगर ब्रदर है छोटा भाई है वो कितने वर्ष का है यंगर ब्रदर दो वर्ष का है यंगर ब्रदर है जो दो तो वर्ष का है ये आपके टोटल इसके अंदर पार्ट है कहानी के अंदर तो यहाँ पर देखो क्या चाहती थी वो कि कहानी को कैसे अंत करे क्या वो पनिश करना चाहती थी रोजर की माँ को वो उसको हट करना चाहती थी उसको मारना चाहती थी उसे बीट करना चाहती थी बताओ क्या करना चाहती थी वो चाहती थी कि रोजर की माँ को पनिश किया जाए दंड किया जाए क्यों क्योंकि आ, उसने क्या किया कि रोजर के स्मेल को मतलब दोबारा से दुर्गंध बना दिया सुगंध की जगह तो एक बार ये स्क्रीन ले लीजिएगा दोस्त फटाफट से स्क्रीन ले लीजिएगा अपने मोबाइल में बताइए फटाफट से अगला देखिए अगला है अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने स्क्रीन पर है

सुगंध मानी मांगी और ये आप जानते हो इसलिए इसको अगर चाहो तो आप स्क्रीनशॉट लेना अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है आगे देखिए हाउ डज जो वॉन्ट द विजर्ट टू बिहेव वो जो क्या चाहती थी कैसे चाहती थी कि वो बिहेव करे रोजसक की माँ के साथ कैसे बिहेव करे मतलब जो क्या चाहती थी जो क्या चाहती थी कि वो उसकी माँ के साथ जादूगर कैसे व्यवहार करे नाइसली करे पोलाइटली करे रूडली करे शी वॉन्ट द बिजट टू हिट हर या वो ये चाहती थी कि बिजट उसे मारे बताओ क्या चाहती थी क्या अच्छे से व्यवहार करना चाहती थी नहीं क्या विनम्रता से व्यवहार की बात करती है नहीं क्या निष्ठुरता से व्यवहार की बात करती है नहीं बल्कि वो तो ये चाहती है कि वो उसे से पीट दे बीट करे और मार मना कर दे कि नहीं मैं उसके बेटे को बदलूंगा नहीं वो निष्ठुर व्यवहार उसके साथ नहीं करना मतलब वो नहीं चाहती कि जादूगर उसके साथ निष्ठुर व्यवहार करे लेकिन वो ये जरूर चाहती है कि जादूगर जो है उसको मना कर दे और उसको वापस से हिट करे वाई डेड रोजर की जो रोजर्स कंक है वो उल्लू को मिलने क्यों जाता है उल्लू को मिलने क्यों जाता है टू बी बीच फ्रेंड उसका मित्र बनने के लिए आपको पता ही है कि एक रोजर्स नाम का एक क्रिएचर होता है रोजर्स कंक नाम का क्रिएचर होता है वो अपनी प्रॉब्लम को लेकर के उसके अंदर बैड स्मेलिंग वाली प्रॉब्लम थी स्मेल देता था बैड स्मेल दुर्गंध देता था और उसको लेकर के वो एक वाइज ओल्ड ओल के पास जाता है बूढ़ा उल्लू और बुद्धिमान उल्लू है वाइज ओल्ड ओल और वो जो है उसको एक विजर्ड के पास भेज देता है जो ओल्ड विजर्ड है और विजर्ड जो है उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है ये आपको स्टेप्स याद रखने हैं आगे देखिए यहां पर क्या आएगा कि रोजर स्कंक उल्लू के पास क्यों जाता है उससे बात करने के लिए टू लर्न द आर्ट ऑफ फ्लाइंग उड़ने की कला सीखने के लिए टू सी की जो एडवाइस उसकी सलाह मांगने के लिए टू सॉल्व इस प्रॉब्लम अपनी समस्या को हल करने के लिए तो आंसर आएगा सी क्या आएगा दोस्त सी ऑप्शन आपका सही होगा अगला देखिए अगला क्या है अगला क्वेश्चन है वॉट एडवाइस डिड द वाइज ओल्ड ओल्ड कौन सी सलाह जो है बुद्धिमान उल्लू ने दी किसको को रोजस कंग को कि वो अपने फ्रेंड से जाके मिलके आए गहराई से सोचे परामर्श करे अपने मदर से या फिर जादूगर से जाकर के मिले बताओ क्या कहा उसने आपको अभी अभी बताया था जस्ट कि जादूगर से मिलने के लिए सलाह दी तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा डी ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ज़्यादातर बच्चे जो गलती करते हैं वो नोटिस वगैरह की राइटिंग में करते हैं नोटिस का फॉर्मेट गलत बनाते हैं एडवर्टीज़मेंट का फॉर्मेट गलत बनाते हैं तो आज मैं इन सब के फॉर्मेट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ आपको उनको तैयार करना है बाकी के ट्वेल्थ क्लास के जो इंपॉर्टेंट नोट्स है वो आप लोगों को मैं मुहैया करा ही चुका हूँ और भी करा दूँगा और कल के दिन हम रिपोर्ट राइटिंग और लेटर राइटिंग करेंगे दोनों पर्सन एक साथ रिपोर्ट राइटिंग किसे कहते हैं कैसे करते हैं लेटर राइटिंग कैसे करते हैं ये सारी चीज़ें सीखेंगे हो सकता है एक क्लास लें या फिर दो क्लास देखेंगे दोस्त लेकिन अभी तो आगे देखना आगे क्या आएगा अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों का अगला है कि वॉट डिड द विजर्ट डीम डिमांड कि जादूगर ने क्या डिमांड की टू मेक रोजर स्मेल लाइक ए रोज मतलब किस चीज कितने रुपए मांगे उससे दस पेनी मांगे चार पेनीज मांगे पांच पेनीज मांगे सात पेनीज मांगे बताना जादूगर ने उससे कितना पेमेंट मांगा फटाफट फड़ बताओ जल्दी बताना कितना पेमेंट मांगा जादूगर ने उससे क्या पेमेंट मांगा फटाफट फड़ बोलिए में डी बिल्कुल सही है सेवन पेनीज मांगी लेकिन रोजर्स के पास कितने थे जरा बताना रोजर्स के पास कितने थे ये देखिए हाउ मेनी पेनीज डिड रोजर्स हैव बताओ उसके पास कितने थे उसके पास कितने थे सात पेनीज नहीं थे उसके पास सिक्स पेनीज नहीं थे उसके पास एट पेनीज नहीं थे उसके पास फोर पेनीज थे बाकी तीन पेनीज को उसने भाई सेवन मांगे फोर रोजर के पास थे और तीन रोजर के पास नहीं थे तीन रोजर के पास नहीं थे तो उसने एक बताया कि एक मैजिक बेल है, मैजिक है में जाना और वहां पर तीन मिल जाएंगे आगे अगला क्वेश्चन देखना हु एडवाइज रोजर टू गो टू दिजर्ड किसने सलाह दी थी रोजर को कि वो जादूगर के पास जाए बताओ किसने सलाह दी थी उसकी माँ ने जो ने जैक ने ओल ने बताओ किसने सलाह दी थी कि वो जादूगर के जाके मिले रोजर रोजर को जादूगर से मिलने की सलाह किसने दी रोजर को जादूगर से मिलने की सलाह किसने दी रोजर को जादूगर से मिलने की सलाह किसने दी उल्लू नदी ओल नदी वेरी गुड ओल नदी बहुत बढ़िया उल्लू नदी बहुत बढ़िया ओल नदी आगे देखो ओल जो है उसने दी अगला क्वेश्चन है कि वाई डज जोज फादर कि जो कि जो पिता हैं वो एक डिफरेंट ओपिनियन जो के, जो से क्यों रखते हैं मतलब जो से अलग विचार उनके क्यों हैं क्योंकि जो एक बच्ची है क्योंकि वो एक मैच्योर थॉट रखते हैं क्योंकि वो एक फेसियल नहीं जाते ठीक है ना या गो ऑल बताओ क्या आएगा आंसर तो जो कि पिताजी क्या मैच्योर व्यक्ति थे यहां पर लड़ाई किसकी है मैच्योरिटी और इमेचरिटी की लड़ाई है परिपक्वता एंड इमेच्योरिटी और अपरिपक्वता की लड़ाई है और इसी वजह से मैच्योरिटी और मैचोरिटी की लड़ाई की वजह से ही यहां पर क्या हुआ था कि यहां पर जो जो है और जैक जो है वो एक दूसरे से डिफरेंट अपनी जो कहानी की एंडिंग है वो चाहते थे अगला देखना वॉट इज द डिफरेंट वॉट इज द डिफरेंट डिफरेंट वॉट इज डिफरेंट डिफरेंट क्या है वॉट इज डिफरेंट अबाउट रोजरस स्टोरी रोजर की कहानी के बारे में अलग क्या है जो ज अड अ डिफरेंट ओपिनियन फ्रॉम अर फादर जो का एक अलग ही विचार था अपने पिताजी से दिस वॉज मोर इंटरेस्टिंग ये सब कुछ मोर इंटरेस्टिंग था इट हैड हैडर्ड ये इसके पास एक जादूगर था बताओ वॉट इज डिफरेंट अबाउट रोजर्स रोजर्स स्टोरी रोजर की स्टोरी में अब की बार क्या डिफरेंट था ये एक मोर इंटरेस्टिंग थी इसके अंदर एक विजर्ड था या जो का एक डिफरेंट ओपिनियन आया उसके पिताजी से क्या था देखो हर कहानी इंटरेस्टिंग होती थी हर कहानी में विजर्ड होता था लेकिन इनमें से तो कोई नहीं आया फिर लेकिन जो अब की बार एक डिफरेंट ओपिनियन रखती है जो उसके पिताजी से बिल्कुल अलग था है ना बिल्कुल अलग था ना जो एक डिफरेंट ओपिनियन रखती है आगे देखना और एक जानकारी मैं आप 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 लोगों लोगों को को देना चाह रहा था कि कि जैसे पता ही है क्लासेस के अंतर्गत कल न्यूज़पेपर में भी यह खबर आएगी हो सका तो कि कॉस्मोक्स क्लासेस के अंतर्गत अंग्रेजी अनिवार्य विषय का इंग्लिश कंपलसरी का एक प्री बोर्ड एग्जाम हो रहा है सत्रह तारीख को दोपहर दो बजे से लेकर के सवा पांच बजे तक इसी कैंपस के अंतर्गत होगा जहां से मैं क्लास ले रहा हूं उदय मोड पर उस में कोई भी भाग ले सकता है उसके लिए सिंपल मेरे व्हाट्सएप नंबर पर जो कि है एट नाइन फोर नाइन थ्री नाइन ये एट नाइन एट नाइन फोर नाइन थ्री डबल जीरो डबल फोर जीरो इस पर आपको हेलो लिख के भेज देना है और जैसे आप हेलो लिख के भेज दोगे तो आपको गूगल फॉर्म की लिंक आ जाएगी और गूगल फॉर्म भर के आप तुरंत तो उसे भेज देना और सत्रह तारीख को पेपर देने आ जाना आपको कुछ नहीं करना सत्रह तारीख को सिर्फ पेपर देने आना है दो बजे गूगल फॉर्म भर के जिससे कि हमको ये पता लग जाएगा कितने बच्चे एग्जाम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो दोस्तों बस यही जानकारी मैं आप लोगों को देना चाहता था बाकी का आप खुद समझदार हैं देखिए अगला देखिए अगला क्वेश्चन क्या है यहां पर है वॉट इज द मॉरल ऑफ द स्टोरी कहानी का मॉरल क्या है कहानी का मॉरल क्या है पेरेंट्स आर वाइज कि मम्मी पापा बुद्धिमान होते हैं नो जानते हैं व्हाट इज़ बेस्ट फॉर दैन कि उनके लिए क्या अच्छा होता है मदर शुड नॉट इंटरफेयर कि माँओं को दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए अपने बच्चे के मामलों में माँ जो है बहुत निर्दयी होती हैं या बच्चे बड़े क्यूट होते हैं और राइट होते हैं नहीं बच्चे क्यूट जरूर होते हैं लेकिन राइट कभी नहीं होते यानी बच्चे हमेशा गलत होते हैं बच्चे कभी सही नहीं होते आगे देखो मम्मी हमेशा निर्दयी होती है ऐसा कभी नहीं है मम्मी कई दयावान भी होती है कुछ कुछ मम्मियाँ हैं जो दयावान हैं बाकी कुछ बैल से पीटती हैं मम्मी जो है वो इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए बच्चों के अफेयर्स में बच्चों के जब अफेयर्स होंगे उनमें तो नहीं करना चाहिए लेकिन दूसरे कामों में करना चाहिए देखिए ये भी गलत है पेरेंट्स बुद्धिमान हैं और जानते हैं कि अपने बच्चों के लिए सर्वश्रेष्ठ काम क्या है ये यहाँ पर आंसर आ जाएगा अगला देखिए हुई जो जो कौन है जो बताओ कौन है बिल्कुल एक ही आईडी से एक फॉर्म भर सकते हैं फिर उसके लिए दूसरा मोबाइल और दूसरी आईडी डी चाहिए हुई जो जो कौन है ए फोर ईयर ओल्ड गर्ल एक चार साल की बच्ची है जो बहुत जिज्ञासु है टू फाइंड अनजान पहलुओं को जानना चाहती है ऑफ द स्टोरीज कहानी के टोल्ड बायर फादर जो उसके पिताजी उसे बताते हैं या एक गर्ल चाइल्ड है यह एक शरारती लड़की है ये एक फोर ईयर ओल्ड गर्ल है जो बड़ी जिज्ञासु है और वो अननोन फैक्ट्स को प्राप्त करना चाहती है उसके अरे यार ये तो दोनों एक जैसे हैं तो ये तो तीन तीन ऑप्शन वाला क्वेश्चन हो गया ये बताओ इसमें क्या आएगा आंसर ये ए ऑप्शन आपका यहां पर आंसर आएगा यानी कि ये लास्ट ऑप्शन आपका ये गलत है इसके अंदर अगला जो है अगला देख लीजिए यहां पर और ये लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों का इस चैप्टर का इसके बाद अपन अगले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखिए अगले चैप्टर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे यहां पर देख लीजिएगा आप कि वॉट डिड जैक मिस्टेकनली कॉल रोजर्स की गलती से रोज जैक ने रोजर्स को क्या कह दिया था मतलब कहानी जब अंत होने वाली थी जब गुलाब की खुशबूस के अंदर डाल दी गई थी तो गलती से जैक ने रोजर्स कंक को कुछ और कह दिया था अब क्या कहा था रोजर्स कंक को रोजर रैबिट कहा था रोजर फिश कहा था रोजर स्क्विरल कहा था रोजर मंकी कहा था तो आप लोगों को पता ना तो मंकी कहा ना स्क्विरल कहा ना रैबिट कहा बल्कि क्या कहा रोजर फिश ये चार ऑप्शंस में से यहाँ पर बी ऑप्शन आपका सही होगा रोजर फिश कहा में बी सी नहीं स्क्विरल नहीं कहा ये गलती मत करना रोजर फिश कहा क्योंकि कई बार क्या होता है जल्दीबाजी में हम गलत कर जाते हैं और वहीं पर मात खा जाते हैं अगला जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए अगला यहाँ पर इंपॉर्टेंट होने वाला है देखिए क्या है मैं इसको तो हटा देता हूं हाँ पेंड्राइव देना डाल दी इसमें देखिए जी ट्वेल्थ क्लास और ट्वेल्थ क्लास के अंदर हम लेते हैं अपना फोर पॉइंट वन ये वाली फाइल है फिर इसके बाद लास्ट और बच रही है इसके अंदर तीन चैप्टर्स आपको सॉल्व करवाने हैं एक तो करवाना है ऑन द फेस ऑफ इट एक इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल और एक एक आपका फास्ट जो लास्ट चैप्टर है वो कौन सा है आपको पता है कि मेमरीज ऑफ चाइल्ड है ना बचपन की यादें देखिए हु हैज ऑन ऑन द द फेस ऑफ इट कौन ने लिखा है ऑन द फेस ऑफ इट बताओ किसने लिखा है बताओ सुसैन हिल ने बताना फटाफट विलियम सिडनी ने सलमान रजदी ने चेतन भगत ने किसने लिखा है <coughs> किसने लिखा है पहले में ए सुसैन हिल ने लिखा है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राइटर्स के तो सबके नाम याद रखने हैं आपको राइटर्स नाम नहीं भूलने हैं हु इज मिस्टर लैम मिस्टर लैम कौन है बताओ एक युवा आदमी है एक मध्यम एज के आदमी है एक बुजुर्ग आदमी है या इनमें से कोई नहीं बताओ कौन है मिस्टर लैम कौन है फटाफट फटाफट बताते जाओ कौन है और जितने लाइव है दोस्त लाइक तो कर दो यार एक लाइक तो बनता है एक लाइक तो बनता है दो मत करना एक ही करना देखिए इसके बाद एक बुजुर्ग आदमी थे ये ठीक है एक कौन थे ये बुजुर्ग आदमी थे अगला देखना फटाफट से अगला क्या आएगा वॉट वर डैरी एंड मिस्टर लैम विक्टिम्स ऑफ डेरी और मिस्टर लैम किस चीज के शिकार थे डेरी और मिस्टर लेम किस चीज के विक्टिम्स थे शिकार थे जरा बताना विजिन एम्पेयरमेंट मतलब उनके अंदर नजर या देखने की कमी थी मतलब नजर उनकी खराब थी फिजिकल एम्पेयरमेंट शारीरिक रूप से विकलांग थे युद्ध था या नहीं इनमें से कोई नहीं तो इसका आंसर होगा यहां पर फिजिकली क्या थे वो इंपेयर थे मतलब वो शारीरिक रूप से विक्षिप्त थे क्या थे वो शारीरिक रूप से विक्षिप्त थे अगला क्वेश्चन क्या है अगला क्वेश्चन देखना हु इज डेरी डेरी कौन है बताइए आंसर हाँ डेरी कौन थे डेरेक ए बॉय ऑफ फोर्टीन एंड हैज ऑन फेस एक छोटा सा लड़का बॉय था यंग बॉय था देखो आंसर ऐसे आते हैं कंफ्यूजिंग आते हैं और यहां पर वो चौदह वर्ष का बालक था जिसका चेहरा आधा सा जला हुआ था और उसका नाम डेरेक था डेरी का नाम डेरेक था ये याद रखना है डेरी का नाम क्या था दोस्त डेरेक था है ना अगला क्वेश्चन हाँ ये देखिए वाई डिड डेरी गो टू मिस्टर लैम कि क्यों जाते हैं वो मिस्टर लैम के गार्डन में क्यों गया डेरी कि सेब चुराने के लिए मिस्टर लैम से बात करने के लिए टू हेल्प द ओल्ड मैन बूढ़े आदमी की मदद करने के लिए टू फील दैट प्लेस उस स्थान को महसूस करने के लिए क्यों गया था वो क्वेश्चन नंबर डाल के आंसर देना क्वेश्चन नंबर चार का क्या आंसर होगा ये बताइए आप बिल्कुल सभी लोग प्री बोर्ड के पेपर में से बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं पक्का आ सकते हैं इसीलिए लिया जा रहा है ठीक है ना अदेगे टू हेल्प द ओल्ड मैन यहां पर यह गलत है ये गलत है ये गलत है आंसर आएगा डी कि वो फील करना चाहता था उस स्थान को इसलिए वो एंट्री की अगला है वॉट वॉट डज मिस्टर लैम वॉट डज मिस्टर लैम ग्रो इन द गार्डन मिस्टर लैम गार्डन में क्या उगाया करते थे चेरी पीच पॉमीग्रेनेट एप्पल्स क्या उगाते थे बताना मिस्टर लैम अपने गार्डन में क्या उगाया करते थे खटाक से बता दो मिस्टर लैम अपने गार्डन में एप्पल्स उगाया करते थे क्या उगाया करते थे एप्पल्स उगाया करते थे मिस्टर लैम अपने गार्डन में क्या उगाया करते थे एप्पल्स उगाया करते थे अगला देखना सेब उगाया करते थे क्या उगाया करते थे दोस्त सेब उगाया करते थे अगला देखना हाउ डिड मिस्टर लैम हेल्प डेरी मिस्टर लैम ने डेरी की मदद कैसे की गिविंग हिम एपल्स उसे सेब दे करके उससे बात करके उसकी मम्मी की मदद करके या उसे एक सकारात्मक आउटलुक दे करके टुवर्ड तो लाइफ जीवन की ओर जीवन की ओर उसे सकारात्मक आउटलुक दे करके कैसे जल्दी बताओ कैसे बिल्कुल जीवन की ओर सकारात्मक आउटलुक दे करके हुआ वेरी गुड बहुत बढ़िया लाजवाब दोस्तों गजब क्वेश्चन कर रहे हो अगला देखना देखते हैं कितने लोग कितने क्वेश्चन सही जाते हैं आपके सबसे बड़ी बात तो ये कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही जाते हैं बस आपको यही जज करना है कि हमारे दो गलत गए तीन गलत गए चार गलत गए वेयर वॉज मिस्टर लेम्स हाउस मिस्टर लैम का मकान कहां था एक पेड़ पर था रोड पर था सड़क पर था या गली में था या बगीचे में था कहा था मिस्टर लैम का घर कहाँ था बताना इसका आंसर बड़ा प्यारा सा आंसर है मिस्टर का बगीचा जो था उसी के अंदर उसके घर था तो ये डी ऑप्शन यहां पर राइट हो जाएगा अगला देखना हाउ डिड डेरी बर्न हिज फेस डेरी ने अपना चेहरा कैसे जलाया बताइए आग में जला गैस स्टोव से जल गया गर्म पानी से जल गया या एसिड बर्न हिज फेस की विजाव ने उसका चेहरा जला दिया बताओ किससे जला फटाफट फड़ बताइए उसका चेहरा किससे जला बहुत सीधा सा आंसर है बहुत प्यारा सा आंसर है उसका चेहरा जला तेजाव से किससे जला उसका चेहरा तेजाव से जला कैसे जला भाई तेजाव से उसका चेहरा जल गया अगला क्वेश्चन देखिए वॉट डिड डेरी लर्न फ्रॉम द फेरी टेल बताओ परियों की कहानी से डेरी ने क्या सीखा था हाउ टू लुक ब्यूटीफुल सुंदर कैसे लगें हाउ टू मेक फ्रेंड्स मित्र कैसे बनाएं लर्न टू लव एंड एंड एप्रिशिएट हिमसेल्फ उसने सीखा कि अपने आप को प्यार करो और अपनी प्रशंसा खुद करो अपनी खुद की प्रशंसा करो मतलब अपने से नफरत मत करो और अपने आप को प्यार करो ठीक है ना बताओ क्या सीखा था उसने बिल्कुल नौवे का सी बता रहे यही सीखा था बाकी के ऊपर दोनों चीजें नहीं सीखी थी मित्र बनाना नहीं सीखा था सुंदर दिखना नहीं सीखा था परियां सिखाती जरूर है लेकिन अपन सीख नहीं पाते देखिए अगला हाउ वॉज मिस्टर लैम हैप्पी मिस्टर लैम खुश क्यों हुए इन स्पाइट ऑफ डिसेबिलिटी अपनी मतलब अपंगता के बावजूद भी मतलब मिस्टर लैम बहुत खुश थे लेकिन वो लंगड़े थे उनकी लोहे की टांग थी ठीक है नहीं थी लेकिन फिर भी वो बहुत खुश रहते थे क्यों क्योंकि उनके अंदर जीवन में पॉजिटिव व्यूज थे तो बिकॉज ऑफ इज एक्सेप्टेंस ऑफ इट क्योंकि उन्होंने इस चीज को स्वीकार लिया था बिकॉज ही वॉज वाइज क्योंकि वो बुद्धिमान थे बिकॉज क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके थे या ऑल दीजिए सब बुजुर्ग होने से इसका कोई मतलब नहीं था बुद्धिमान होने से इसका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उन्होंने इस चीज़ को स्वीकार लिया था उसने कहा कि इससे भी तो बुरा हो सकता था लेकिन चलो इतना ही सही लेकिन मैं इन सब चीजों को स्थिरतापूर्वक सीख चुका हूँ और मैं इसको अपना कंट्रोल कर चुका हूँ अब देखिए यहाँ पर पहला आंसर आएगा लोग डी दे रहे होंगे कई लोग यहाँ देखिए वॉट कॉम्प्लेक्स क्ल्यूज कॉम्प्लेक्स वॉट कॉम्प्लेक्स डज द डेरी सफर फ्रॉम मतलब कौन सी परेशानी कौन सी जटिलता डेरी जटिल कौन सी जटिलता से डेरी पीड़ित था कौन सी जटिलता से डेरी पीड़ित था सुप्रियोरिटी यानी कि श्रेष्ठता की जटिलता ऑडिपस ऑडिपस और इलेक्ट्रा दो चीज़ें होती हैं एक तो होता है ऑडिपस और एक होता है इलेक्ट्रा ये दोनों शब्द समझ लो ये इलेक्ट्रा तो पाया जाता है गर्ल्स के अंदर और ये ऑडिपस पाया जाता है बॉयज के अंदर यह हारमोन्स का एक हारमोन्स का एक नेगेटिव इम्पैक्ट होता है कि जो बॉयज होते हैं वो अपनी मदर के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं और जो गर्ल्स होती हैं वो अपने फादर के प्रति अट्रैक्ट रहते हैं बस तो ये एक फर्क पड़ता है तो यहाँ पर उसके अंदर सुप्रियोरिटी नहीं थी ऑडिपस नहीं था उसके अंदर इन्फीरिटी कॉम्प्लेक्स था ये आपको याद रखना है इनफ्युरिटी मतलब वो अपने आप को सबसे कमजोर समझता था वो कहता था कि लोग मेरी ओर घूरते हैं मुझे भला बुरा कहते हैं मेरे को निंदा करते हैं मेरे को क्रिटिसाइज करते हैं तो वो उन लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करता था अगला देखिए अगला क्या आएगा यहाँ पर अगला आएगा इवेंट्स ट्राइज एन ओ लेवल इवेंट्स ओ लेवल की ट्राई करता है यानी कि सातवा चैप्टर है इसके अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं याद है एक तो इवेंट्स है इवेंट्स के अलावा गवर्नर हैं गवर्नर के अलावा इसके अंदर आपके जैक जैक्सन हैं जैक्सन हैं, जैक्सन के अलावा इसके अंदर स्टीफन्स हैं स्टीफन्स के अलावा इसके अंदर मिस्टर कार्टर हैं कार्टर के अलावा इसके अंदर एस मैकलेरी हैं स्टूअर्ट मैकलेरी, एम सी एल डबल ई आर वाई मैकलेरी हैं इसके अलावा इसके अंदर डिटेक्टिव सुपरिटेंडेंट हैं बैल हैं क्या हैं बैल ये आपकी पांच सात कैरेक्टर्स हैं जो चैप्टर के अंतर्गत आते हैं वाई डिड इवेंट्स डिसाइड टू टेक दाम की इवेंट्स ओ लेवल एग्जाम को क्यों प्राप्त करना चाहता था ओ लेवल एग्जाम क्यों देना चाहता था टू कीप हिज हैड ऑन इज हैड अपने सिर पर अपनी टॉपी को रखने के लिए स्टडी करने के लिए टू एड इज एक्स अकेडमिक्स वो अपनी अकेडमिक्स यानी अपनी प्राथमिक डिग्री को ऐड करना चाहता था या टू प्लान एन स्केप फ्रॉम प्रीजन या फिर जेल से भागना चाहता था बताइए फटाफट से

गुमराह करना उसके अंदर गुमराह करने की क्या थी टेंडेंसी थी गुमराह करना और टेंडेंसी होती है मनोवृत्ति उसकी प्रवृत्ति थी अब बताओ यहां पर क्या आएगा आंसर ये सारा आएगा क्योंकि वो चोर भी था क्लेप्टोमेनिया क्या नहीं होता जन्मजात चोर या चोरी चोर, चोरी करने का आदि वो तो आया ही था और ये बात किसने बताई थी गवर्नर ने कि वो चोरी करने का आदि है अगला देखना

वॉट इज नॉर्मन कॉल इन डैक्स्टर नॉन फोर कि नॉर्मन कॉल इन डैक्स्टर जो राइटर हैं इसके एन सी डी नॉर्मन कॉल इंडस्टर उसको किस चीज के लिए जाना जाता है अपनी राइटिंग्स के लिए अपनी पॉइंट्स के लिए अपने प्लेस के लिए या फोर इज इंस्पेक्टर मोर्स सीरीज ऑफ नॉवेल्स इन्होंने इंस्पेक्टर मोर्स की सीरीज लिखी थी इसके लिए इन्हें जाना जाता है ये इसके अबाउट द राइटर में से है अबाउट द राइटर में से इसको याद कर लेना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है अबाउट द राइटर्स में से है ये याद रख लेना है ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये इसको याद रख लेना बेटा दिमाग में रखना अगला क्वेश्चन क्या है कि हु ऑर्डर्ड इवेंट्स टू टेक हिज हिज ऑफ ऑफ हेड किसने ऑर्डर दिया था इवेंट्स को कि अपनी टोपी को नीचे उतारे भाई कौन थे दो थे जैक्सन और स्टीफंस जैक्सन तो बेचारा सीनियर ऑफिसर था और स्टीफन जूनियर ऑफिसर था तो सीनियर ऑफिसर जैक्सन ने कहा कि भाई इवेंट्स अपनी टोपी उतार अच्छी नहीं लगती तो जैक्सन ने कहा क्या कहा जैक्सन ने कहा अगला क्वेश्चन आप याद रखना अगला क्वेश्चन कौन सा है हु द सेल किसने पूरी जो कोठरी है उसको चेक किया था पुलिस ने गवर्नर ने जैक्सन और स्टीफंस ने स्टीफंस ने बताओ किसने किया था सोच के बताना कंफ्यूजन मत क्रिएट करना अपने दिमाग में कि कंफ्यूजन आते ही क्वेश्चन गलत हो जाता है और चार ऑप्शंस बड़े प्यारे प्यारे आते हैं कंफ्यूजिंग आते हैं मिसलीडिंग आते हैं गुमराह करने वाले आते हैं और आप लोग गुमराह हो जाते हैं बिल्कुल सही है छठे में सी आएगा आंसर और कोई आंसर मत देना सी आएगा अगला देखना अगला क्या आंसर है कार्टर कौन थे बताना हु बॉज कार्टर कार्टर कौन थे एक पुलिसमैन थे वॉचमैन थे डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट थे या नन बिल्कुल इनमें से कोई नहीं थे वो और ये डिटेक्टिव सुपरिंटेंडेंट थे ये ध्यान रखना ठीक है ना अगला देखिए यहां पर अगला क्वेश्चन है डिड एक्चुअली कैच किसने स्टीफन ने किसको एक्चुअली वास्तव में किसे पकड़ा था हुम डिड स्टीफन एक्चुअली कैच ये बताना मैकलरी को इवेंट्स को एक थीफ को या ऑल बताओ एक्चुअली उसने किसको पकड़ा था बताना किसको पकड़ा था कैच किसको किया था हुम डिड स्टीफन एक्चुअली कैच किसको कैच किया था इवेंट्स को कैच किया था क्योंकि इवेंट्स वही था मैकलरी नहीं था वहां पर कोई भी है ना इवेंट्स को कैच किया था अगला देखना अगला क्या है आंसर हु वॉज मैक्लरी मैकलरी कौन थे बताना मैकलरी एक प्रीस्ट है ना जो कहां से आए थे बताओ चर्च का नाम बता दो टाइप करके कि वो कौन सी चर्च थी जहां से उस किसको बुलाया गया था एस मैक्री को बुलाया गया था स्टुअर्ट मैकलरी को बुलाया गया था चर्च का नाम बता दो मान जाऊंगा ओके टाइप द नेम ऑफ चर्च टेलमी वॉट इज द नेम ऑफ द चर्च फ्रॉम वेयर मैकलरी वॉज सेंट फोर सेंट फोर बताइए टेलमी द नेम ऑफ चर्च मैकलरी कौन थे मैकलरी इन्विजिलेटर थे जो वहां पर अपॉइंट किए गए थे गवर्नर के द्वारा इन्विजिलेट करने के लिए नो सेंट मैरी मैक्स पूरा नाम था उसका सेंट मैरी मैक सेंट मैरी मैक्स थे बिल्कुल सही है यहाँ पर शिवम गुप्ता ने आंसर दिया सेंट मैरी मैक्स चर्च थी और सेंट मैरी मैक्स चर्च से वहाँ से उसका क्या किया था वहाँ पर उससे उसको हायर किया गया था बहुत बढ़िया क्या बात है वेयर वॉज इवेंट्स वेयर वॉज इवेंट्स लोकेटेड इवेंट्स कहाँ लोकेटेड था middle East, middle East in Japan, in Mountain, इन द मिडिल ईस्ट मिडिल ईस्ट में इन जापान इन द मिडिल ऑफ चिपिंग मॉटन या इनमें से कोई नहीं आंसर बताओ मैक्स नहीं थी मैक थी सेंट मैरी मैक्स पुनीत सेंट मैरी मैक्स थी चलो बताओ यहां पर क्या आएगा इन द मिडिल ऑफ चिपिंग चिपिंग नोटन के बीच में बिल्कुल सही है इन द मिडिल ऑफ चिपिंग वो लोकेटेड था अब देखिए फ्रॉम वेयर डिड दे फाइंड द नेम ऑफ द होटल कहां से उनको होटल का नाम मिला जहां पर इवेंट्स ठहरा हुआ था पुलिस से मिला लोगों से मिला सीक्रेट एजेंट से मिला या करेक्शन स्लिप से मिला कहां से मिला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टिक लगा लेना पता ना कहाँ से मिला था करेक्शन सिलेब्स मिला था जो गवर्नर के हाथों में रह गई थी उसी करेक्शन से उसको मालूम लगा कि अपना जो इवेंट्स है वो कहाँ है भाई अपना जो इवेंट्स है वो एक होटल में है थ्री वन थ्री टू वन सेवन ठीक है ना ये है आगे देखना कि वॉट एडवाइस इवेंट्स अरेस्ट वॉट एडेड इवेंट्स अरेस्टेड अरेस्ट कि कौन सी चीज ने इवेंट्स को अरेस्ट करवा दिया बताओ कि नहीं वॉट एडेड है सॉरी 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 मदद करना किस चीज ने मदद की किसकी इवेंट्स के अरेस्ट में किस चीज ने मदद की इवेंट्स के अरेस्ट में एडिट होती मदद करना उसके मित्रों ने उसकी गैंग ने उसके एजेंट ने क्लूज जो इवेंट छोड़ के गया था बताओ किसने मदद की थी फटाफट बताना बिल्कुल गोल्डन लॉइन होटल में था वो डी डी ऑप्शन था जो इवेंट्स क्लू छोड़ के गया था उन क्लूज की वजह से गवर्नर उस तक पहुंच पाया था आगे देखिए वेयर वर द क्ल्यूज लेफ्ट क्लूज कहां छोड़ दिए गए थे टेबल पर सेल में मोबाइल फोन में क्वेश्चन पेपर में बता क्लूज कहां थे क्लूज बताइए कहां थे भाई क्लूज कहां थे टेल मी अबाउट द क्लूज वेयर दे वर क्लूज वर ऑन द क्वेश्चन पेपर ना तो टेबल पर थे ना कहीं और थे वो क्वेश्चन पेपर में थे क्लूज कहां थे भाई क्वेश्चन पेपर में थे अगला देखिए फ्रॉम होम डिड गवर्नर रिसीव द फर्स्ट कॉल सबसे पहला कॉल गवर्नर को कहां से आया था बताइए असिस्टेंट सेक्रेटरी से जॉइंट सेक्रेटरी से असिस्टेंट कमिश्नर से या ऑल बताए ना कहां से आया था बताओ सबसे पहला कॉल द फियरलेस बोल रहे हैं सर क्वेश्चन नंबर बारह को एक्सप्लेन करो करते हैं अभी रुको यहां पर आया था असिस्टेंट सेक्रेटरी एक जो एग्जामिनेशन ऑल के असिस्टेंट सेक्रेटरी थे वो उसका जवाब दे रहे थे अब यहाँ पर आपको बारवा क्वेश्चन में क्या प्रॉब्लम है कि किस चीज ने मदद की थी इवेंस की गिरफ्तारी में किसे क्वेश्चन पेपर ने क्वेश्चन पेपर की वजह से जो तो ये क्ल्यूज थे जो इवेंस ने छोड़े थे क्वेश्चन पेपर पर उनकी वजह से तो इवेंस पकड़ा गया चोर किससे पकड़ा जाता है सबूतों से अगर मान लो मैंने कहा चोर है तो कहीं गलती तो की होगी अपराध किया है तो गलती तो की होगी कुछ तो गड़बड़ है दया कुछ तो गड़बड़ है याद होगा व्हाट वाज देयर इन अ स्मॉल ब्राउन सूटकेस छोटे से ब्राउन सूटकेस में क्या था जो मैक्लरी रखता था क्या था बताना सील्ड क्वेश्चन पेपर था येलो इनविजिलेशन फॉर्म था स्पेशल ऑन थर्टीफिकेशन कार्ड था ये सारी चीज थी बताना क्या-क्या था वहां पर जल्दी बताइए अपना आंसर मेरे हिसाब से आप का आंसर आप डी बताएंगे बिल्कुल सही है <coughs> मुझे कैसे पता आपकी फालतू क्वेश्चंस अक्षत इनका जवाब कैसे दिया जाए ये फालतू क्वेश्चन है आप जो पूछ रहे हो मेरे से ये ये क्वेश्चन इस तरह का कहाँ से कहाँ से टीपाया आपने कहा से चेपाया इस तरह का क्वेश्चन थोड़ी आएगा एग्जाम में वॉट इन्फॉर्मेशन डिड द गवर्नर रिसीव कौन सी सूचना गवर्नर ने प्राप्त की फ्रॉम द डिटेक्टिव सुप्रिंटेंडेंट डिटेक्टिव सुप्रिंटेंडेंट से कि मैकलरी ने इवेंट्स को देखा है इवेंट्स को एल्स वे की तरफ देखा गया है या इवेंट्स का चेज तो किया लेकिन वो खो गया कहीं गायब हो गया ये सब कुछ बताओ आंसर क्या आएगा सीआईडी के हाथ में गया केस ठीक है ऑल दीज ये सब आएगा आंसर में जब एल्सफील्ड वे की तरफ भी गया था वो और उसने कहा कि हम की हमारी नजर तो पड़ी थी लेकिन हमसे कहीं वो मिस हो गया अगला देखिए कि वॉट डिड द गवर्नर टेल सेक्रेटरी ऑफ द एग्जामिनेशन हॉल कि इवेंस एक प्लीजिंग पर्सन है वो इमिटेट कर सकता है न, आ, बड़े बड़े स्टार्स की और वो क्रिसमस कंसर्ट में भी एक स्टार है वो एक जन्मजात चोर है या सब ये सब क्या कहा था उससे यही कहा था कि वो जन्मजात चोर है अगला देखना अगला क्या है बिल्कुल यही आएंगे आप इससे बाहर नहीं जाएगा मेमरीज ऑफ चाइल्डहुड लास्ट चैप्टर चल रहा है इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और है आप लोगों के लिए वो देख लीजिए हु इज द ऑथर ऑफ द लेसन मेमरीज ऑफ चाइल्ड हुड मेमरीज चाइल्डहुड की ऑथर्स कौन कौन है तो दो हैं ऑथर्स एक तो झिटकलसा है और एक बामा है ये ही आपका इंपॉर्टेंट है एमिली ब्रॉन्टे चार्ल्स डिकिंसन ये नहीं है है ना चार्ल्स डिक्स वगैरह ये नहीं है अगला देखना Of a man, from Lives of दो महिलाओं का जीवन बताया गया है वास्तव में यही है कई लोग तो पता है आंसर कैसे लगाते हैं सर सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है वही आंसर है ऐसे लगा देते हैं जबकि याद रखना है इस तरह की गड़बड़ मत कर देना एग्जाम में कई बार सबसे बड़े ऑप्शन ही गलत होते हैं देखिए जटकर मतलब वॉट आर द नेम्स ऑफ द टू बीमिन दोनों महिलाओं के नाम क्या हैं आपको पता है जिटकला साह है जो नेटिव अमेरिकन है और वामा है एक तमिल दलित है ये दोनों तो गए अब देखना समझना मेरी बात यह आंसर है जिटकला साह का नाम है जर्ट्रयड्रयड बॉन इन साइमन जर्ट्र्यूड बॉन इन साइम ये जिटकला सा का नाम है ये भी याद रखना आप लोग ठीक है ना बामा का नाम बामा ही है और कुछ नहीं है अगला क्वेश्चन देखना अगला क्वेश्चन क्या बनता है जिटकला सा जिटकला सा कौन थी तमिलियन थी प्रोटेस्टर थी नेटिव अमेरिकन थी तो आंसर आएगा नेटिव अमेरिकन कोई बच्चा गलत नहीं करे बस उद्देश्य यही है उद्देश्य यही है कि कोई छोटे छोटे क्वेश्चन आएंगे अगर ऑब्जेक्टिव गलत होते ना तो फिर नंबर कम मिलते हैं ये ध्यान रखना आप अगला देखना हु इज बामाज ब्रदर बामा का भाई कौन है ए बॉय है ए यंग बॉय है अन्नन है या नन है अन्नन आएगा इसका आंसर अन्नन है बामा के भाई का नाम क्या है अन्नन है बामा के भाई का नाम क्या है अन्नन है अगला क्वेश्चन देखना हाउ मच टाइम डिड बामा टेक टू रीच होम कि बामा घर पहुंचने के लिए कितना समय लेती है दो घंटे तीन घंटे चार घंटे एक घंटे कितना समय लेती है बामा घर पहुंचने के लिए फटाफट से बताओ आंसर आएगा आपका एक घंटे लेती है कितना लेती है एक घंटा लेती है वो एक घंटे में वो मार्केट पहुंच जा मार्केट से घर पहुंच जाती है वैसे तो आधा घंटे का रास्ता है वॉट डिड जटकलासा फील फील वेनर लॉन्ग हेयर वॉज कट कि जटकलासी कैसा फील करती है सा कैसा फील करती है जब उसके बाल काटे जाते हैं कैसा फील करती है दबाव और शिकार खुश और आनंदित डिलाइटेड डी ई -E एल आई जी एच टी डी -E रिलैक्सड आराम महसूस करती है नहीं ना तो आनंद ना खुशी ना ये दबाव महसूस करती है और अपने ऊपर शिकारपन महसूस करती है ऐसा लगता है जैसे उस पर दबाव डाला गया है या फिर वो बिक्टिम हुई है शिकार हुई है दबाव और शिकार अपने आप को महसूस करती है वो कहती है कि मैं कई भेड़ों में से एक हूं जो एक गढ़रिए के द्वारा हाकी जा रही है अगला देखना अगला क्वेश्चन क्या है बॉट वॉज बामा विक्टिम ऑफ बामा किस चीज की शिकार थी जेंडर प्रोज्यूडिस यानी कि लिंग पूर्वाग्रह बामा किसकी थी बामा किसकी किस शिकार थी लिंग पूर्वाग्रह नहीं हिंसा नहीं चाइल्ड अब्यूज और कास्ट सिस्टम बताओ किसकी थी कास्ट सिस्टम आपका आंसर आएगा

हु टोल्ड बामा दैट untouchability इज ए क्राइम किसने बताया था बामा को कि अनटचेबिलिटी एक क्राइम है एक अपराध है उसकी मम्मी ने कहानी में उसकी मम्मी आई नहीं जिट कला सा ने जिटकला साह क्यों बताएगी वो तो दूसरे एपिसोड में थी उसकी बहन ने बहन उसकी कहानी में थी नहीं उसके भाई अन ने बिल्कुल यही आंसर आएगा डी ऑप्शन आप लोगों का सही आंसर हो जाएगा अगला क्वेश्चन कुछ और क्वेश्चन रह रहे हैं दो तीन उसके बाद अपन अपनी कंपोजिशन सेगमेंट पर चलेंगे देखिए ड ब्रामा बिलोंग टू कौन सी कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है कौन सी कम्युनिटी से बामा बिलोंग करती है रिच है ब्राह्मण है अनटचेबल लो कास्ट है बताओ कौन है सी ऑप्शन आएगा अनटचेबल लो कास्ट है बामा कौन है अछूत और निम्न जाति की है अगला देखिए दो क्वेश्चन और है शायद दो है हाँ इकतालीस और बियाली बारवा और तेरवा आगे देखिए वॉट इज द मीनिंग ऑफ अनटचेबिलिटी अनटचेबिलिटी का मतलब क्या है बताना कि सेग्रीगेटिंग यानी कि अलग करना इसका मतलब है अलग करना अ माइनॉरिटी यानी होती है निम्न जाति को निम्न निम्न समुदाय को या कम लोगों को अल्प लोगों को क्या होता है अल्प लोग अल्प लोग फ्रॉम द मेन स्ट्रीम यानी मुख्य धारा या मुख्य सोशल ग्रुप यानी सामाजिक समूह मुख्य सामाजिक समूह को कुछ मुख्य सामाजिक समूह में से कुछ लोगों को अलग करना या नॉट टू टच एनिवन किसी को टच ना करना कीप डिस्टेंस फ्रॉम किसी से दूरी बनाना या नन इनमें से कोई नहीं ये नहीं तीनों ही नहीं है क्योंकि आपकी जो मुख्य धारा में लोग हैं जितने भी मुख्य लोग हैं अगर आप उनसे किसी को अलग कर देते हो तो उसको अनटचेबल कहते हैं मेन जाति से मेन धर्म से मेन समाज से किसी को अलग कर दी जाए तो उसको अनटचेबल कहते हैं ये आपके दो क्वेश्चन और हैं इसके बाद वॉट अट्रैक्टेड मामा टू इन द स्ट्रीट कौन सी चीज ने मामा को गली में अट्रैक्ट किया मंकीज ने नहीं साइकिलिस्ट किया था मंकीज ने भी किया था बंदर ने किया था बिल्कुल किया था बंदर थे ना वहां बंदर थे था और पोंगल भी मतलब ये तीनों ही चीज देखेंगे अरे दो और यार डिड हाँ। जिटकला सा फील ऑपरेस्ट इन न्यू एस्टेब्लिशमेंट नई जगह पर नए स्कूल में उसने अपने आप को ऑपरेस्ट क्यों फील किया क्योंकि उसने इंडिग्निटीज फील की अपमान फील किया शॉन टूअर जो से दिखाया गया क्योंकि उसने लोग उसको स्थान पसंद नहीं आया क्योंकि वो अपनी माँ के साथ रहना चाहती थी नहीं माँ के साथ रहना बिल्कुल नहीं चाहती थी वो बल्कि अपमान उसको मिले थे वो उन अपमानों को सहन नहीं कर पाई अगला देखना ये लास्ट क्वेश्चन है लास्ट क्वेश्चन है चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वॉट वॉज नेम ऑफ द स्कूल वेयर जिटकला साह क्या नाम था उस स्कूल का जहां पर जिटकला साह पढ़ती थी बताओ कार्लाइजल इन स्कूल कार्लाइजल वेस्टर्न स्कूल कार्लाइजल इंडोनेशियन स्कूल कार्लाइजल अमेरिकन स्कूल बताओ क्या नाम था उस स्कूल का जहां पर नेटिव अमेरिकन वुमन के रूप में जिटकलासा पढ़ती थी बताओ क्या नाम था? संजय पानी मेरा फोन दे देना बताइए क्या नाम था फटाफट फ़ड़ बताइए यहां पर था कारलाइजल इंडियन स्कूल कौन सा था कारलाइजल इंडियन स्कूल ओके दोस्तों अब चलते हैं अपन कंपोजिशन वाले पार्ट पर देखो आपको मैं पहले तो जानकारी देता हूं कि पार्ट किस में आता है और क्यों आता है देखिए अच्छे से समझना हर चीज को है ना देखिए आपको पता है कि आपके चार नंबर की शॉर्ट कंपोजिशन आती है इसको शॉर्ट कंपोजिशन का भाग कहते हैं क्या कहते हैं इसको शॉर्ट कंपोजिशन का भाग कहते हैं इसको शॉर्ट कंपोजिशन का भाग क्यों कहते हैं साहब कि इसको शॉर्ट कंपोजिशन क्यों कहते हो आप तो इसको अपन शॉर्ट कंपोजिशन बोलते हैं क्या बोलते हैं शॉर्ट कंपोजिशन इसके अंदर आप लोगों को चार टॉपिक्स तैयार करने हैं चार टॉपिक्स तैयार करने हैं। वो पहला टॉपिक है एक तो है नोटिस राइटिंग कौन सा है नोटिस राइटिंग और मैं आपको अभी बताने वाला हूं कि कौन सी चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट बनती है पहला नोटिस राइटिंग दूसरा है इन्विटेशंस एंड रिप्लाइज अब मैं फालतू चीज तो पढ़ाऊंगा अभी नहीं आपको इन्विटेशंस एंड रिप्लाइज है ना इन्विटेशंस एंड रिप्लाइज भाई मुझे पता है कि इन फालतू चीजों को पढ़ाने से आप लोगों का टाइम जाया होगा मैं खुद ही नहीं पढ़ाना चाहता लेकिन क्या करूं कि जो चीजें हैं एडवर्टीजमेंट राइटिंग मैं आप लोगों को ज्यादा फालतू की चीजें बिल्कुल नहीं बताऊंगा इसमें और आप ये याद रख लेना कि आप लोगों को केवल एक ही चीज रटके जानी है और वो है नोटिस राइटिंग नोटिस और इस बार एडवर्टीजमेंट ये दोनों चीजें एग्जाम में आएंगी है ना और तीसरी जो नेक्स्ट चीज है ना वो आप लोगों की वो क्या है चौथे नंबर की चीज है वो है आपकी लास्ट जो चीज है वो आर्ग्यूमेंट है आर्ग्यूमेंट्स यानी कि तर्क करना आर्ग्यूमेंट्स है क्या है आर्ग्यूमेंट्स ए आर जी यू एम ई एन टी एस तर्क वे तर्क, देखो आर्ग्यूमेंट्स तो आप पढ़ो ही मत क्योंकि पिछले कई वर्षों से एग्जाम्स में आ ही नहीं रहा है आर्ग्यूमेंट्स तो सर मैगजीन का फॉर्मेट बता दो बता देंगे अभी डटो, रखो आर्ग्यूमेंट्स तो आपको पढ़ना ही नहीं है पहली बात दिमाग में सेट रखो कि हंड्रेड एंड वन परसेंट यानी कि सौ प्रतिशत मैं कह दूं और सौ प्रतिशत प्लस ही मान लो आपको नोटिस आएगा एग्जाम में दूसरा जो क्वेश्चन है वो एडवर्टीजमेंट राइटिंग का आएगा पक्का 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 यानी कि इनविटेशन और रिप्लाईज नहीं आएंगे और आर्गुमेंट्स भी नहीं आएंगे ये सर पीडीएफ ही नहीं खुलती पीडीएफ खुलेगी 100 परसेंट खुलेगी अब आप ये बताओ कि आप लोगों के जो नंबर करते हैं वो सबसे ज्यादा में करते हैं आप लोगों के जो नंबर करते हैं वो किस में करते हैं सबसे ज्यादा मुझे पूरी पूरी उम्मीद है, आप बताएंगे अपने आंसर बताएंगे कि आपके जो सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं वो कटते हैं किसमें आपके नंबर कटते हैं दोस्त किसके अंदर इसी कंपोजिशन के सेगमेंट के अंतर्गत किसके अंतर्गत करते हैं ये जो कंपोजिशन का सेगमेंट है आपका कंपोजिशन का पार्ट है इसके अंतर्गत आपके सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं अब अपन इनको नंबर उनको बचाए कैसे कैसे बचाए कोई तरीका है क्या नंबर उनको बचाने का तो आप स्क्रीनशॉट लेना मत भूलेगा सर आपके बिस्टास के क्वेश्चंस कर लो क्या एग्जाम के लिए बिल्कुल कर लो मैंने तो दिए हैं करने के लिए इन क्वेश्चंस को आपकी मर्जी है करना चाहो तो करो नहीं करना चाहो तो मत करो देखो टीचर पढ़ा सकता है बच्चों को जबरदस्ती नहीं कर सकता पढ़ा सकता है गाइड कर सकता है अब मैं गाइडेंस ही तो दे रहा हूँ नहीं तो बाकी के ग्यारह अफसोस के कोर्स को क्या मैं ग्यारह बारह दिनों में करा सकता हूँ नहीं ना केवल एक रिविजन एक गाइडेंस कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है ये बहुत बड़ी चीज होती है लोगों को पैसा देने पर भी गाइडेंस नहीं मिलती है लास्ट के टाइम पर गार्जियंस अपने बच्चों को लेकर के गाइडेंस के लिए जाते हैं कि सर मेरा बच्चा परेशान है इसमें बारहवीं की एग्ज़ाम आ रही है और क्या करें सर समझ में नहीं आ रहा बच्चा थोड़ा टेंशन में है यह समझ में नहीं आ रहा क्या करना है कितना याद करना है कौन कौन सी चीज़ पढ़नी है नहीं पढ़नी है ले मैं आप लोगों को वो गाइडेंस दे रहा हूँ और वो भी निशुल्क और वो भी घर बैठे आपको कहीं आना नहीं है कहीं जाना नहीं है अब ये अलग बात है कि कुछ लोगों को इस गाइडेंस की वैल्यू है कुछ लोगों को नहीं है कुछ लोगों को पेपर लगने के बाद मिलेगी लेकिन पेपर लगने के बाद कोई फ़ायदा भी नहीं रहेगा लेकिन कोई नहीं मैं अपने कर्तव्य कर रहा हूँ मैं अपने अपने जो मेरी ड्यूटी है आप विद्यार्थियों के लिए वो मैं अपनी पे कर रहा हूं नोटिस राइटिंग दरअसल होती क्या है देखिए नोटिस राइटिंग का मतलब होता है कि आप एक तो पचास वर्ड की लिमिट में लिखोगे एक वर्ड लिखोगे नोटिस नाम का शब्द टॉप पर यह आपको लिखना पड़ेगा नोटिस जब तक आपने नहीं लिखा तब तक वो नोटिस मान्य नहीं होगा अगर आपने नोटिस नहीं लिखा तो ये मान्य नहीं होगा <coughs> ये ध्यान रखना नोटिस नहीं लिखा तो ये मान्य नहीं होगा यह नोटिस तो आपको लिखना पड़ेगा दूसरी चीज है नेम एंड प्लेस ऑफ द स्कूल यह भी आपको लिखना पड़ेगा नेम एंड प्लेस मैं आपको फॉर्मेट बताऊंगा फिर एक बनवाऊंगा अभी ऑर्गेनाइजेशन और ऑफिस द नोटिस आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम लिखना पड़ेगा संगठन का नाम लिखना पड़ेगा उस कार्यालय का नाम लिखना पड़ेगा जो कि नोटिस को जारी कर रहा है ठीक है ना जारीकर्ता का नाम लिखना पड़ेगा आपको एक सटीक सी हेडिंग देनी पड़ेगी टाइटल देना पड़ेगा आपको क्या देनी पड़ेगी हेडिंग सबसे पहले याद रखो दिमाग में कि आपको स्कूल का नाम लिखना है सबसे पहले दिमाग में याद रखो स्कूल का नाम 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 ट्रिक लगा लो ट्रिक ट्रिक बताऊं मैं आपको एस सबसे पहली ट्रिक क्या लिख दो एस क्या लिख दो सबसे पहले एस फिर पी लिख दो एस पी तो याद रहेगा एस मतलब स्कूल पी मतलब प्लेस कि स्कूल कौन से स्थान पर है स्कूल कौन से प्लेस पर है याद रखना एक सिस्टम बड़ा तगड़ा काम है सिस्टम याद नहीं रहता ठीक है ना का साहब केमिस्ट्री पढ़ाते थे फियरलेस कह रहा सर टेलीग्राम पे ही चलना आता स, सच में झूठ नहीं बोल रहे सर टेलीग्राम ही नहीं चलाना आता कोई बात नहीं रचना मीना जी क्या बताएं अब आपको सर पॉलिटिकल साइंस की क्लास नहीं लगती क्या नहीं पॉलिटिकल साइंस की नहीं लगती राहुल बिल्कुल नहीं लगती ये केवल इंग्लिश की क्लासेस लगती है क्योंकि मैं फ्री टीचर हूँ बिल्कुल स्वतंत्र मास्टर हूँ इसके लिए कोई चार्ज नहीं हो लगते ठीक है ना इसलिए एसपी इसके बाद बताओ एस पी के बाद अपन अगली चीज ले लेते हैं अगली चीज लेते हैं डेट एस पी डी क्या याद रखोगे एस पी डी क्या याद रखोगे एस पी डी एस पी डी के याद रखोगे नोटिस एस पी डी नोटिस क्या रखोगे एस पी डी नोटिस रख दोगे एस पी डी नोटिस के वो बॉक्स में बंद कर देना फिर लिखना एस पी डी नोटिस टी एस पी डी नोटिस टी एम टी एम के बाद याद रख लेना ई पी आई पी देखो टाइम जैसे ऐसे मत जाता ना टाइम टीएमआईपी टीएमआई पी तो देखो ये आपको इतने से पॉइंट्स मेंशन करने हैं आपका काम तगड़ा हो जाएगा आपका काम तगड़ा हो जाएगा आप बिल्कुल 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 क्या नहीं करेंगे परेशान नहीं रहेंगे तो देखो फिर राइट द डेट ऑफ द इशूइंग नोटिस नोटिस को इशू करने की डेट लिख दो क्लियरली मैंशन द टारगेट ग्रुप फिर बताओ कि आप किस को सूचना दे रहे हो ठीक है ना और नोटिस किसके लिए लिखा जा रहा है फिर सारे रिलेवेंट डिटेल्स लिख दो डेट टाइम वगैरह सब लिख दो ये इस तरीके से आपकी आ, क्या हो जाती है डिटेल हो जाती है आगे देखो सिग्नेचर लिखना भाई सिग्नेचर तो अपन के करने नहीं होते तो सिग्नेचर छोड़ देना आपको फिर नेम लिखना है पद लिखना है मैंने नेम और पद के लिए क्या, लिए क्या लिखा था आई यानी इशुअर जारी करता और पद के लिए मैंने क्या लिखा था पोस्ट आईपी पद और पोस्ट है ना जैसे जारी करता और उसका पोस्ट सर नोटिस में बहुत नंबर कट करते हैं ग्रामेटिकल मिस्टेक्स होती है अब नहीं होगी चिंता मत करो आज आप सारी चीजों का तोड़ देख के जाओगे फिर पुट द नोटिस इन ए बॉक्स बोलो ये लाइन जरूरी है कि नहीं है हाँ या ना यस नो, पहले ये बताओ कि क्या एक नोटिस को बॉक्स में बंद करना जरूरी है या नहीं सबसे पहले मुझे इस सवाल का जवाब दो कि क्या एक नोटिस को बंद करना जरूरी है या नहीं तो आपका आंसर होगा यस जरूरी है क्या आंसर होगा यस जरूरी है नोटिस को बंद करना ही होगा आप देखिए अगली चीज है यहां पर मैंने एक नोटिस आप लोगों के लिए लिया हुआ है हल्का सा नजर आएगा हल्का हल्का सा फीका फीका सा नजर आएगा क्योंकि स्क्रीन है एक बनाऊंगा मैं देखिए सबसे पहले आप लोग ये नोटिस दिख रहा है ये गलत है इस तरह के यहाँ ये बच्चे जो कर देते हैं वो इस तरीके से करते दे, हैं देखो बच्चे क्या करते हैं मैं समझाता हूँ कि ऊपर ही ऊपर डाल देंगे नोटिस ऐसे डाल देते हैं फिर स्कूल का नाम डाल देते हैं छोटे मोटे अक्षरों में फिर डेट फेट डाल देते हैं अपने हिसाब से फिर कुछ भी लिख देते हैं फिर ऐसे लिख देते हैं कोई डेजिग्नेशन को ऊपर लिख देता है कोई कैसे लिख देता है बॉक्स बनाते हैं बनाते हैं, नहीं बनाते नहीं बनाते छोड़ देते हैं तो मैं आप लोगों को क्या करता हूं बॉक्स बनाना सिखाता हूं <coughs> देखिए कि ये चीज एक क्वेश्चन है एक क्वेश्चन है ये क्वेश्चन देख लीजिए यू आर स्काउट मास्टर गाइड तुम एक स्काउट मास्टर हो या स्काउट गाइड हो पहले पढ़ लो तुम एक स्काउट मास्टर और गाएड़ हो स्काउट गाइड हो गाइड कैप्टन हो कैप्टन स्काउट मास्टर गाइड स्काउट मास्टर कह दो अपने आप को या गाइड कैप्टन कह दो कह दिया स्कूल का नाम है के आर सागर पब्लिक स्कूल और ये स्कूल कहाँ है साहब मैसूर में है कहाँ है मैसूर में तुमने डिसाइड किया है कि तुम एक ट्रूप को भेजोगे मतलब दल को भेजोगे ट्रूप यानी दल को भेजोगे स्काउट्स के को और गाइड्स के को स्काउट्स और गाइड्स के जो ट्रूप है ना उसको भेजोगे ऑफ योर स्कूल जो तुम्हारे स्कूल का है कहाँ पर भेजोगे जमबूरी में जम्बूरी होती है जहाँ पर यात्रा निकलती है जम्बूरी यात्रा होती है ये शांति के लिए निकलती है शांति दिखाने के लिए टू बी हेल्ड एट लखनऊ जो लखनऊ में होने वाली है एक सप्ताह के लिए होगी ये जम्बूरी यात्रा कितने सप्ताह के लिए चलेगी एक सप्ताह के लिए एक नोटिस लिखो जिसकी जो एक से पचास शब्द से ज़्यादा नहीं होने चाहिए ठीक है ना टू बी प्लेस जो रखी ऑन द स्कूल नोटिस बोर्ड स्कूट नोटिस बोर्ड पर लगाया जा सकेगा और विद्यार्थी को इन्वाइट करो कि वो अपने नामों को स्काउट्स एंड गाइड्स को दे दें स्काउट्स uh, और गाइड्स भाई जो स्काउट्स और गाइड्स बनना चाहते हैं वो नाम दे दें या स्काउट्स और गाइड्स हैं वो अपना नाम दे दें दे, जो इंटरेस्ट रखते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए जमुई में और इन्वेंट द नेसेसरी डिटेल्स और खोज लो बाकी की जो आवश्यक डिटेल्स चाहिए वो खोज लो तो अब अपन को इंपॉर्टेंट क्या क्या है पहले तो इंपॉर्टेंट देखो इंपॉर्टेंट क्या क्या है इंपॉर्टेंट है एक तो जारी करता कौन है यानी कि अपना पी क्या है पी एरा पोस्ट क्या है स्काउट मास्टर गाइड कैप्टन फिर स्कूल मिल गया आपको के आर सागर पब्लिक स्कूल याद रखना के आर सागर पब्लिक स्कूल फिर अगला है मैसूर याद रखोगे मैसूर के आर सागर पब्लिक स्कूल मैसूर फिर आपको क्या करना है एक दल भेजना है स्काउट्स और गाइड्स का का तुम्हारे स्कूल का, और जम्मू में भेजना है कहां भेजना जम्मू और कहा हो रहा है जम्बुरी लखनऊ में यह भी बताना है आपको ठीक है ना अब आपको निमंत्रण किसको देना है आपको क्या करना है इन्वाइट करना है नेम्स ऑफ दो स्काउट्स एंड गाइड्स उन स्काउट्स और गाइड्स के नाम जो कि रिचि रखते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए बिल्कुल पीडीएफ डाल देंगे लेकिन स्क्रीन स्क्रीन शॉट जरूर ले लेना इसकी है ना क्योंकि ये मैं सीधा पीडीएफ पे लिख रहा हूं सीधा पीडीएफ पे लिख रहा हूँ स्क्रीन शॉट ले लेना ये देखिए अब बनाते हैं अपन चलो मैं बोर्ड पे ले चलता हूँ बोर्ड पे आप लोगों को ठीक है ना बोर्ड पे ले चलता हूं बोर्ड पे ले चलता हूं इसके लिए वेट फॉर वन मिनट देखिए मैं सबसे पहले आप लोगों को बोर्ड पे लेके चल रहा हूँ कहाँ लेके चल रहा हूँ बोर्ड पर तो बोर्ड पर आ गए साहब हम देखिए सबसे पहले तो मैंने चारों तरफ का एक आउटलाइन बनाई क्या बनाई चारों तरफ की एक आउटलाइन ये देखो मैंने सबसे पहले एक आउटलाइन तैयार की कर दी सर आउटलाइन यस और नो कर दी ना आउटलाइन तैयार अच्छा मैं पहले इसके भी एक एक पहले काम कर लेता हूँ क्योंकि इसमें कुछ है जो अपन बिल्कुल ठीक जैसे एग्ज़ाम में आता है ना वैसे लिख सकते हैं यहाँ पर लाइंस हैं मैंने लाइन ले ली इससे क्या है क्लियर हो जाएगी सारी चीज़ें अब फिर यह लाइन्स के बाद मैं यहाँ पर क्या कर लेता हूँ एक डायग्राम बनाता हूँ ठीक है ना मोटी लाइन का मोटी लाइन तो इसमें इतनी है ठीक है ना मोटी लाइन तो इसमें इतनी है ये लो मैंने डायग्राम बनाया ये डायग्राम बना ये डायग्राम बनाया ठीक है ना बना ना। दी डायग्राम अब अपन को क्या करना है इसके अंदर सबसे पहले के आर पब्लिक स्कूल के आर सागर पब्लिक स्कूल ये स्कूल का नाम है तो सबसे पहले मैं यहाँ स्कूल का नाम लिखता हूँ कैपिटल में के आर सागर पब्लिक स्कूल के आर सागर पब्लिक स्कूल पब्लिक एस सी एच डबल ओ एल के आर सागर पब्लिक स्कूल और मैंने लिख दिया यहाँ पर मैसूर क्या लिख दिया मैसूर ये याद रखना आपको मैसूर लिखना है इसके बाद कैमरा बार बार ब्लैंक शायद ऑटो फोकस कर रहा होगा ऑटो फोकस की वजह से कर रहा होगा कोई नहीं देखिए फिर इसके बाद आपको क्या करना है एक लाइन छोड़नी है एक लाइन छोड़ करके डेट लिख दो डेट क्या है आज की जो करंट डेट है जैसे आज पंद्रह मार्च है तो पंद्रह लिखा मार्च लिखा एम ए आर सी एच मार्च, लिखा, मार्च, लिखा, मार्च, लिखा, मार्च लिखा, और ये लिख दिया दो हजार तेईस इसके बाद आप लोग यहाँ लिखेंगे सेंटर में एन ओ टी आई सी ई नोटिस और नोटिस लिख करके इसको बॉक्स में क्लोज कर देना आप इसके सामने चाहो तो डे लिख दो डे क्या है आज का डे है मान लो आज का ट्यूसडे है वेंसडे है मतलब क्या है आज वेंसडे है शायद डब्ल्यू देख लेना आप मेरे को याद नहीं है आज का दिन क्या है वेंसडे ही होगा शायद देखिए अगला है इसके बाद नोटिस के बाद आप टाइटल लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि बताना जम्बूरी जे एम बी ओ आर डब्लू जम्बूरी एट लखनऊ एल यू सी के एल यू सी के सी के एन ओ डब्ल्यू लखनऊ ठीक है ना तो आप इसको अंडरलाइन कर देंगे जम्बूरी एट लखनऊ अब इसको लिखना कैसे है समझना आप अच्छे से लिखना कैसे यहां पर मैं लिखना आपको बता रहा हूं लिखना कैसे देखिए समझना कि दिस इज टू इन्फॉर्म दिस इज टू इन्फॉर्म आई एन एफ ओ आर एम आप लाइन छोड़ सकते हो इसके अंदर एक और दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट द स्कूल द स्कूल स्काउट्स स्काउट एंड स्काउट एंड गाइड गाइड कमिटी कमिटी हैज़ हैज़ डिसाइडेड, डिसाइडेड, डी डीई सी आई डीई डी डिसाइडेड, टू सेंड सेंड इट्स ट्रूप ट्रूप ऑफ

ऑर्गेनाइज कहाँ टू बी ऑर्गेनाइज एट लखनऊ लखनऊ में एल यू सी के एन ओ डब्ल्यू नकलव इन या नेक्स्ट मंथ ऐसे लिख दो नेक्स्ट मंथ नेक्स्ट मंथ एक आगे लिखना द इंटरेस्टेड इतना से लिख दिया वाला द इंटरेस्टेड द इंटरेस्टेड कैन गिव दियर नेम्स गिव देयर टी एच ई आई आर गिव देयर मिनट है ना गिव दियर नेम्स फिर इसमें आएगा नेम्स टू द अंडरसाइंड टू द अंडरसाइंड कि वो अपने अधोहस्ताक्षरित व्यक्ति को नाम दे दे ठीक है ना लेटेस्ट बाय लेटेस्ट बाय कितनी तारीख तक बाय द तारीख ले लो बाई द ट्वेंटी ऑफ बाई द ट्वेंटी ऑफ ऑफ मार्च फिर नीचे लिख दे क्या थे वो भाई एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड नाम तो दिया नहीं है तो एक्स वाई जेड लिख दो और फिर यहां आएगा कि स्काउट कैप्टन या गाइड कैप्टन क्या क्या, क्या लिख दिया गाइड कैप्टन जी यू आई डी ई -E, गाइड और सी ए पी टी ए आई एन कैप्टन ये होगा अब आप देख लीजिए यहाँ पर इस तरीके से आपको क्या बनाना है इस तरीके से सर ये कैसे लिखेंगे यही तो नहीं आता क्या लिखेंगे ये मैटर इस मैटर को मैं क्या क्या लिखना है देखो ये लाइन फिक्स है दिस इज़ टू इन्फॉर्म ऑल दैट यहाँ तक तो फ़िक्स है ये तो रट लो दिस इज़ यह है टू इन्फॉर्म सूचित करना है ये चार शब्द तो याद करो दिस इज़ टू इन्फॉर्म ठीक है ना फिर ऑल किसको सबको इन्फॉर्म करना है की फिर ये वाली चीज़ देख लो स्कूल स्काउट एंड गाइड कमिटी उसने ये डिसाइड किया है हैज डिसाइडेड कि वो भेजेगी अपने दल को स्काउट्स एंड गाइड्स के टू जम्बूरी जम्मू में टू बी ऑर्गेनाइज जो ऑर्गेनाइज होना है लखनऊ में नेक्स्ट मंथ अगले महीने द इंटरेस्टेड बस ये लाइन लिख देना बस ये लाइन तो रटी लेना बीच बीच की एक लाइन आप सेट कर देना कैसे भी करके है ना एक लाइन सेट करके कैसे भी कर देना मतलब बस बाकी का ये नीचे की ये लाइन आपकी सेट हो गई बाकी की और चीज़ें आप लोगों के दिमाग में आपको सेट रखनी है फिक्स्ड है फिक्स्ड है और चीज़ें बिल्कुल आप लोगों को दिमाग में सेट रखनी है फिक्स्ड है अब इसको अपन अगर छोटा करें एक बार देख लेते हैं छोटा करके ये देख लीजिए आप अब इसके पीछे से अगर मैं बैकग्राउंड हटा देता हूँ तो आप लोगों को पूरा पक्का ही एक एक आइडिया लग जाएगा कि हाँ कि सर ने कैसे लिखा है एक बैकग्राउंड इसमें थीम हटा देता हूँ थीम में नॉर्मल प्लेन ले, ले लेता हूँ ये प्लेन ले ली अब आप इसको समझ के देखो आप बिल्कुल अब पक्का आप लोगों को पता लग गया होगा कि नॉर्मली ये बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है बहुत आसान है मैटर भी सीधा है लेकिन ये क्या है हेयर वाई वो भी एक तरीका है कि ऑल द स्टूडेंट्स आर हेयर वाई इन्फॉर्म्ड दैट ये भी तरीका है लेकिन ये बढ़िया है इसमें क्या चार पांच शब्द लिखने पड़ते हैं हीयर वाई में आप गड़बड़ कर देते हो कोई सा कहीं लगा देता है कोई सा कहीं लगा देता है ये आप गलती कर देते हो ठीक है ना तो ये आप याद रखना अब मैं वापस से अपनी पी पर आ रहा हूँ मैं वापस से अपनी पी पर आ रहा हूँ ये ध्यान रखना आपको ठीक है ना ये आप स्क्रीन ले लो पहले तो भाई स्क्रीन ले लो हट गया मैं बिल्कुल स्क्रीनशॉट ले लीजिए अब मैं वापस से अपनी पीडीएफ पर आ रहा हूं ये पीडीएफ देखिए मेरी पीडीएफ कहाँ नोटिस एंड एडवर्टीजमेंट और क्या हो गया ये वन मिनट हाँ जम्बूरी का जे कैपिटल में आएगा अब आप देखिए आपने ये तो पढ़ ही लिया इसके बाद आप आ जाइए यहाँ पर यहाँ पर देखिए यहाँ पर आपने ये वाला ये वाला देखो आप एक रिप्लाई वाला देख लो कि रिप्लाई दो तरह के होते हैं फॉर्मल रिप्लाईज़ और इनफॉर्मल रिप्लाईज़ देखिए फॉर्मल रिप्लाईज़ क्या होता है कि जैसे एक क्वेश्चन आया कि तुमको एक फॉर्मल रिप्लाई देना है एक क्वेश्चन आया कि एक फॉर्मल रिप्लाई लिखना है आपको देखो ड्राफ्ट ए फॉर्मल रिप्लाई आपको फॉर्मल रिप्लाई लिखना है अपनी इनबिलिटी दिखाओ कि आप अटेंड नहीं कर सकते उद्घाटन को जो शोरूम का हो रहा है रिगेलिया नाम का शोरूम है उसका हो रहा है संडे को 20 जुलाई 2023 को होने वाला है ग्यारह बजे रोहिणी ठीक है ना यू आर नवीन जैन तुम नवीन जैन हो सी फाइव में रहते हो जे जे के जे उदयपुर में और तुम्हारे फ्रेंड जो है जी एल बंसल है जो तेईस ये सुंदर नगर के हैं उदयपुर के तो इसमें आपको क्या क्या दिया हुआ है एक तो इसमें आपको अपने फ्रेंड का एड्रेस दे रखा देखो ये तुम्हारे फ्रेंड का एड्रेस है एक तो मैं तुम्हारा एड्रेस दे रखा है कि तुम्हारा नाम वाम सारा एड्रेस वेड्रेस तो ये तो तुम ऊपर ही ऊपर लिखना जो तुम्हारा दे रखा होता है उसको ऊपर ही ऊपर लिखना होता है और जो रिसीवर का दे रखा होता है उसको नीचे नीचे लिखना होता है इसके नीचे लिखना होता है मतलब देखिए आप देखो किसका लिखे हो सी फाइव जी के वन देखना सी फाइव जीके जे जीके जे जीके वन है ये कुछ भी हो उदयपुर वो तो देगा वहां पर डेट लिख दी पंद्रह मार्च अब सीधा इसको थर्ड पर्सन में लिखना है ये फिक्स है रट लेना आपको बदलना क्या है मैं उसको गोला लगा दूंगा जिसको बदलना है उसको गोला लगा रहा हूं देखो ये एड्रेस बदलना है उसको गोला लगा रहा हूं डेट बदलनी है ये गोला लगा रहा हूं एक लाइन यहां छोड़नी है एक लाइन यहां छोड़नी है ये आपको फिक्स रखना है मिसेज एंड मिस्टर इसको बदलना नहीं है ये गोला लगा रहा हूं नवीन जैन ठीक है ना थैंक ये सही है गोला जन पे लगाऊंगा मिसेज एंड मिस्टर ये सही है जीएल एल बंसल ये गोला लगा दिया फोर द इन्विटेशन टू द इनग्रेशन यहाँ पर इनाग्रेशन किसके लिए इनाग्रेशन ये फंक्शन बदल देना इनाग्रेशन किसका है ऑफ जैसे जन्मदिन आए तो वो बदल देना आप ये रहा ये बदल देना आप तारीख वारीक अपने हिसाब से लिख देना सही है ठीक है तारीख वारीक सब अपने हिसाब से लिख देना टाइम वाइम लिख देना एड्रेस बता देना कहाँ हो रहा है ये एड्रेस वहाँ दे रखा है उसने कि कहाँ हो रहा है ठीक है ना फिर भी They express, वो एक्सप्रेस करते हैं दियर एनेबिलिटी असक्षमता को दिखाने वाला आएगा तो अपनी एनेबिलिटी दिखा देना कि वो प्रेजेंट है ऑन द ऑकेजन फिर देना ड्यू टू ए प्रायर कमिटमेंट्स कि उनका प्रायर कमिटमेंट्स हो रहा है फिर जो दोनों पति पत्नी है वो अपने आप को जेंस बोलेंगे तो जेंस बोल देना जेंस बस हो गया अक्षर जैन होना चाहिए था बिल्कुल आ, ही नाम लिखेंगे तो चिंता मत कर अमर बनाऊंगा तुझे देखो यू आर आकाश और वर्षा यू हैव बीन टू अटेंड द वेडिंग ऑफ योर सिस्टर ड्यूरिंग समर टू द वेस्पॉन्न रिग्रेटिंग योर टू अटेंड इट देखो अब तुमको ये क्या है तुम आ, तुमको लिखना है है देखो कह रहा है, तुम आकश, आकाश और वर्षा हो तुमको इन्वाइट किया गया है अटेंड करने के लिए ऊपर तो क्या किया गया था फॉर्मल लिखना है देखो साफ बोला था फॉर्मल नीचे नहीं बोला तो आपको जब नहीं बोला तो इनफॉर्मली लिखना है आपको कह दिया तुम ये हो तुम ये हो तुम ये करना है तो देखो एड्रेस दिया कि तुम्हारा नहीं दिया तो तुम अपने हिसाब से एड्रेस बनाएंगे देखो अपने हिसाब से बना दिया 205 सौ पांच बसंत कुंज बता दिया ना फिर कोटा अगले दिन में कोटा लिख देना ये डेट लिखी दोगे डियर नेहा क्योंकि आपको ऊपर दिया गया कि तुम अपने फ्रेंड बेडिंग तुम्हारे फ्रेंड की सिस्टर की बेडिंग है है ना तुम्हारे फ्रेंड की सिस्टर की बेडिंग है तो अब फ्रेंड का नाम दे दो तुम नेहा दे दिया फिर लिख दो थैंक यू ये पूरी लैंग्वेज फिक्स लिखो बिल्कुल सेम बेडिंग में हो चाहे आप कुछ भी हो थोड़ा सा चेंज करना देखो थैंक यू फॉर यूर कॉर्डियल इन्विटेशन ऑन द ऑकेजन ऑफ अभी ऑकेजन चेंज करना है बस बस बाकी सारा रटना है आई हाउ एवर रिग्रेट माई एनेबिलिटी मैं फिर भी रिग्रेट करता हूँ कि मैं असक्षम रहा हूँ टू बी विद यू तुम्हारे साथ होने के लिए ऑन द हैप्पी ऑकेजन हैप्पी ऑकेजन पर मैं आ, लीव कर रहा हूँ शिमला के लिए फॉर समर हॉलीडेज समर हॉलीडेज के लिए कारण आएगा वहां कारण आए तो अपना कारण लिख देना नहीं आए तो यही लिख देना कब जा रहा हूँ एक मई को जा रहा हूँ भैया दो में प्लीज एक्सक्यूज माई एबसेंस कृपया मेरी अनुपस्थिति को क्षमा कर देना और मेरे सम्मान को भी पहुंचा देना बेस्ट विशेष को पहुंचा देना किसको कपल को तुम्हारी शुभाकांक्षी वर्षा एंड आकाश देखो यहां पर कोई कॉमा पंक्चुएशन मार्क नहीं है ये आपको कैपिटल लिखना है ये कैपिटल लिखना है ये कैपिटल लिखना है ये महीने का नाम कैपिटल लिखना है ये महीने का नाम हमेशा ऐसे लिखना सिंपल सिंपल लिखना आपको ये डीयर का डी बड़ा नेहा का एन बड़ा यूर का बाई बड़ा सिंसियरली का एस छोटा आएगा देखना एस छोटा आएगा सिंसियरली का बड़ा मत लिखना फिर ये नीचे वर्षा और आकाश नाम आ जाएगा बहुत सीधा है ऐसा कुछ ज़्यादा कठिन नहीं है आराम से तुम कर सकते हो अगला देखिए अगला आप लोगों को ये सिचुएशन वैकेंट सिचुएशन वांटेड वाले एडवर्टीजमेंट है तो एडवर्टीजमेंट तो क्या है कि नॉर्मली मैं आप लोगों को मतलब तो अखबार में आते सिंपल लैंग्वेज में आते जितना आप सिंपल लिख सकते हो उतना लिख देना ठीक है ना ये वाला आपको मैंने फॉर्मेट दे रखा बाकी का नोट्स मैं आप लोगों को की दे दूंगा तैयार आपको क्या करना है तैयार आपको नोटिस 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 करना 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 है करना है ही एग्जाम में आएगा आएगा पक्का नोटिस ही तैयार करके जाना है और साथ में एडवर्टीजमेंट आएंगे एडवर्टीजमेंट्स के नोट्स मैं आप लोगों को पहुंचाई रहा हूं एक सिंपल सा ड्राफ्ट बनाना एडवर्टीजमेंट का एक ड्राफ्टिंग में बताता हूं कि कैसे बनाना है कि आप एक सिंपल सा बॉक्स बनाना ये बॉक्स बनाया बॉक्स में ऊपर की तरफ एक बॉक्स सिंपल बनाना और यहां पर कैपिटल लेटर में हेडिंग डाल देना कैपिटल लेटर में हेडिंग डाल देना और कैपिटल लेटर में हेडिंग डालने के बाद यहां पर नीचे आपको कॉन्टेक्ट नंबर देने हैं कॉन्टेक्ट तो देना ही देना कॉन्टेक्ट भाई कॉन्टेक्ट एट किस पर कांटेक्ट करना है तो कांटेक्ट नंबर दे देना कांटेक्ट नंबर देने के तरीके नाइन फोर वन फोर क्रॉस 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 चार क्रॉस लास्ट में और जीरो जीरो बाकी का अंदर क्या मैटर लिखना है अंदर का मैटर मैं आपको पूरा पूरा टाइप दूंगा और यहां क्या लिखना है यहां मैं आप लोगों को अभी एक मिनट के अंदर बता देता हूं यहां क्या लिखना है इसका स्क्रीन ले लीजिए ये एडवर्टीजमेंट का एक पैटर्न है आगे देखिए यहां पर आपको लिखना क्या है जैसे मान लो आप दुल्हा और दुल्हन ढूंढने के लिए लिख रहे हो कि भाई दूल्हा ढूंढो और दुल्हन ढूंढो फॉर ब्राइड और फॉर ग्रूम दुला और दुल्हन ढूंढने के लिए कर रहे हो तो आपकी जो हेडिंग होगी ऊपर जो हेडिंग होगी वो क्या होगी हेडिंग जो होगी वो होगी आपकी ग्रूम वॉन्टेड क्या होगी दुला दूल्हा चाहिए तो ग्रूम वांटेड और दुल्हन चाहिए तो दुला चाहिए तो क्या होगा देखना ग्रूम वांटेड ये दूल्हा चाहिए तो है और दुल्हन चाहिए तो क्या होगा ब्राइड वांटेड ब्राइड वांटेड ठीक है ना फिर जब आपन ने ये वेडिंग वाला लिख दिया लिख दिया इसके बाद अपन आते हैं किस पर ये तो आई गया अपन का ठीक है ना ये ये हेडिंग्स याद रखना हेडिंग का बहुत इफेक्ट पड़ता है फिर अपन है एकोमोडेशन दे रहे हैं रूम कमरा कमरा ले रहे हैं कमरा दे रहे हैं अकोमोडेशन तो अपन वहां पर लिखेंगे एक टू लेट हमेशा हेडिंग रहेगी टू लेट हमेशा टू लेट लिखना आप क्या लिखना हमेशा टू लेट लिखना ओके इसके बाद आती है आपकी ज्यादा से ज्यादा जॉब एंड वैकेंसी का आता है जॉब एंड वैकेंसी ये एग्जाम में बहुत ज्यादा आते हैं जॉब एंड वैकेंसी आता है तो जॉब एंड वैकेंसी वाला आता है जैसे नौकरी चाहिए तुमको नौकरी चाहिए नौकरी चाहिए तो जब नौकरी चाहिए तो आप ऊपर क्या लिखोगे नौकरी चाहिए तो आप लिखोगे सिचुएशन एस आई टी यू ए टी आई ओ एन सिचुएशन क्या वॉन्टेड सिचुएशन वॉन्टेड और अगर आपको क्या चाहिए कर्मचारी चाहिए नौकर चाहिए कर्मचारी चाहिए कर्मचारी चाहिए तो आप क्या लिखोगे कर्मचारी चाहिए तो आप क्या लिखोगे बताओ बेटा कर्मचारी चाहिए तो आप लिखोगे सिचुएशन वैकेंट क्या लिखोगे सिचुएशन वैकेंट ये लिखोगे आप कर्मचारी चाहिए तो सिचुएशन वैकेंट और अगर आपको नौकरी चाहिए तो सिचुएशन वांटेड अगर सेल एंड परचेज के बारे में बता रहे हो सेल एंड परचेज खरीद बिक्री तो खरीद बिक्री में सिंपल सा हेडिंग हो जाती है हेडिंग है, ध्यान रखना बस फॉर सेल फोर सेल बिक्री के लिए और ये हो जाएगी फोर परचेज खरीद के लिए फोर पी यू आर सी एच ए एस ई फोर परचेज ओके डाउट क्लियर अगला है लॉस्ट एंड फाउंड तो लॉस्ट एंड फाउंड के अगर आ जाते हैं वैसे तो आएंगे नहीं लॉस्ट एंड फाउंड आते नहीं है और अगर आ जाए तो आप लोगों के पास सीधा सा हथियार है कि आप बार बार तो लिखोगे लॉस्ट 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 और फाउंड 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 लॉस्ट लॉस्ट और लॉस्ट लास्ट में फाउंड का तो केवल एक ही बार लिखना फाउंड या हेडिंग बना तो दोस्तों इस तरीके से आज के लिए काफी सारी मैंने आपकी लंबी क्लास ली है आपका टाइम खराब किया है सवा सात बजे से मैं लगा हुआ हूं लगभग सवा घंटे की क्लास हो गई है फिर बाकी का कल मिलेंगे दोस्त और आज अपन ने काफी सारी चीजें पढ़ी लेकिन मेनली आप सबसे बड़ी चीज ध्यान रखना नोटिस पढ़ना है नोटिस करना है नोटिस पढ़ना है नोटिस करना है नोटिस पढ़ना है नोटिस करना है ध्यान से करना है कोई भी चीज गलत नहीं करनी है जहां जो जैसी चीज लिखनी है याद रखना एस बोलो मेरे साथ बोलो एस सबसे पहले क्या आएगा स्कूल का, का नेम फिर प्लेस का नेम फिर क्या आएगा डेट एस पी डी बोलो एस पी डी बोलो एस पी डी स्कूल प्लेस डेट नोटिस स्कूल प्लेस डेट नोटिस।, नोटिस नोटिस के बाद टाइटल नोटिस के बाद टाइटल नोटिस के बाद टाइटल टाइटल बाद मैसेज टीएम टी एम टी एम मैसेज मैसेज में बोई दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दिस इज टू इन्फॉर्म ऑल दैट फिर उसके बाद मैटर लिख देना फिर लास्ट की वो लाइन फिक्स है वो लिख देना फिर इसके बाद आएगा आपका ईश्वर आई पी पोस्ट ईश्वर पोस्ट ईश्वर पोस्ट लेफ्ट में ईश्वर पोस्ट लेफ्ट में नोटिस इन और नोटिस बीच में आएगा बिल्कुल सेंटर में आएगा कैपिटल में आएगा बॉक्स में बंद करना है ये सारी पिक्चर क्लियर रखना थैंक यू यूज नहीं करना गुड मॉर्निंग यूज नहीं करना गुड इवनिंग यूज नहीं करना सिंपल डिसेंट शब्दों में लिख के आना है और चारों तरफ बॉक्स बना के आना है चारों तरफ बॉक्स बना के आना है ऐसी एडवर्टिजमेंट में करना है, ऐसी इन्विटेशन में करना है, सब कंपोजिशन के चारों तरफ बॉक्स बनेगा सभी कंपोजिशन के चारों तरफ बॉक्स बनेगा ये आपके दिमाग में सेट रखना तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही थैंक यू वेरी मच बाय।